माइक्रोमैक्स एक टाइम पे इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट फोन मैन्युफैक्चरर थी और दुनिया की 10th लार्जेस्ट फोन मैन्युफैक्चरर थी। अभी माइक्रोमैक्स इंडिया के टॉप 10 फोन मैन्युफैक्चरर्स में भी नहीं आती है। बीच में कई और इंडियन फोन मैन्युफैक्चरर्स जैसे लावा, जोलो, कार्बन मोबाइल्स, स्पाइस इत्यादि भी काफी पॉपुलर हुए थे। अभी इन इंडियन फोन मैन्युफैक्चरर्स का मार्केट शेयर बहुत ज्यादा कम हो गया है और हार्डली कोई इनके फोन्स खरीदता है। ऐसा क्यों हुआ, आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इंडियन फोन मैन्युफैक्चरर्स का मार्केट शेयर क्यों इतनी जल्दी इतना ज्यादा गिर गया, तो एंड तक वीडियो देखना। माइक्रोमैक्स और दूसरे इंडियन फोन मैन्युफैक्चरर्स के फोन्स काफी सस्ते थे पर उसमें टॉप फीचर्स होते थे। कभी कभी तो दूसरे फॉरेन कंपनीज जैसे सैमसंग इंडियन फोन मैन्युफैक्चरर्स के डबल से भी ज्यादा प्राइस में बेचते थे, पर प्रॉब्लम ये थी कि इनके सारे फोन्स एक जैसे दिखते थे। ये इसीलिए होता था क्योंकि फोन्स में ज्यादा इनोवेशन नहीं होता था, क्योंकि बहुत कम पैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च किए जाते थे। दूसरा कि ये बहुत सारे फोन्स एक ही प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च करते थे। माइक्रोमैक्स ने तो 2014 में 30 से ज्यादा स्मार्टफोन मॉडल्स निकाले थे। किसी फोन में कैमरा अच्छा होता है तो किसी फोन में रैम ज्यादा होता है तो किसी फोन की स्क्रीन बड़ी होती है। इससे हर एक फोन की अलग से मार्केटिंग करनी पड़ती है जिससे पर फोन का प्रॉफिट कम हो जाता है। पर ये सब तो छोटे रीजन थे, अब आते हैं बड़े रीजन पे। 2014-2015 तक चाइनीज स्मार्टफोन मार्केट सैचुरेट होने लगा था। चाइनीज स्मार्टफोन मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है तो वहाँ की कंपनीज ढूंढने लगी कि अब हम कहाँ फोन बेचें। तो उन्होंने सोचा कि अब फोन्स को इंडिया में बेचते हैं। इसके दो कारण थे, पहला कि इंडियन स्मार्टफोन मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था और दूसरा कि चाइनीज कंपनीज वैसे ही इंडियन फोन मैन्युफैक्चरर्स के लिए फोन बनाती थी जिस पे ये सारी कंपनीज जैसे माइक्रोमैक्स, कार्बन अपना नाम लिखकर बेचती थी। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम खुद ही फोन्स डायरेक्टली बेचें इंडिया में। तो 2014-2015 में कई चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज जैसे Xiaomi, Oppo, Vivo, Jioni इत्यादि इंडिया में आने लगे। ये कंपनी सक्सेसफुल थे चाइना में तो इनके पास पैसे भी थे। ये चाइनीज कंपनीज से इंडियन फोन मैन्युफैक्चरर्स फोन बनाते थे, पर जब ये कंपनीज खुद इंडिया में आ गई तो ये फोन्स और सस्ते में बेचने लगे। Xiaomi ने ऑनलाइन पे फोकस किया और अच्छे प्रोडक्ट्स काफी सस्ते में बेचने लगा। क्योंकि वो ऑनलाइन पे फोकस करते थे तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग कॉस्ट बच जाता था। ओप्पो और वीवो ने ऑफलाइन पे फोकस किया और आपने देखा ही होगा और अब भी देखते हैं कि ओप्पो और वीवो कितने एड्स करते हैं। टीवी, न्यूज़पेपर, बिलबोर्ड्स, हर जगह ओप्पो वीवो अपने एड्स करते हैं और ये डीलर्स और रिटेलर्स को भी ज्यादा परसेंटेज देने लगे। नॉर्मली डीलर्स को 5-7% मार्जिन मिलता है जबकि ओप्पो और वीवो 10-20% मार्जिन देते हैं। मोस्टली सारी चाइनीज कंपनीज अपने स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज बनाकर इंडिया आई थी, पर हमारे इंडियन फोन मैन्युफैक्चरर्स के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं था इनके साथ कम्पीट करने के लिए। कोई कैमरा पे फोकस करता था तो कोई वैल्यू फॉर मनी पे फोकस करता था, तो कोई कैमरा और म्यूजिक पे फोकस करता था, तो कोई डिजाइन पे फोकस करता था। सब एक अपने एरिया पे फोकस करते थे। अब चाइना में कोई भी सस्ते फोन बना सकता है, सक्सेसफुल होने के लिए आपको इनोवेशन करना पड़ता है। तो ये चाइनीज कंपनीज इंडिया में कम फोन्स लेके आते थे ताकि हर एक फोन की अच्छे से मार्केटिंग कर पाए। बेसिकली क्या हुआ कि जो इंडियन ब्रांड्स ने ग्लोबल ब्रांड्स के साथ किया, चाइनीज ब्रांड्स वही कर रही है इंडियन ब्रांड्स के साथ। धीरे धीरे जब ये चाइनीज कंपनीज पॉपुलर होने लगे तो इन्होंने मेक इन इंडिया प्रोग्राम का फायदा उठाकर इंडिया में फैक्ट्रीज खोला ताकि उनको टैक्स कम देना पड़े। और जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ती गई तो चाइनीज कंपनीज ने मार्केटिंग के लिए क्रिकेटर्स और बॉलीवुड की मदद ली। धीरे धीरे फिर इंडियन फोन मैन्युफैक्चरर्स का मार्केट शेयर गिरने लगा। अब हम माइक्रोमैक्स पे आते हैं। इनकी डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग तो बहुत अच्छी थी, पर इनके पास अच्छे प्रोडक्ट के लोग नहीं थे। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे माइक्रोमैक्स एक प्रोडक्ट कंपनी है तो अच्छे प्रोडक्ट के लोग होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए माइक्रोमैक्स ने बाहर से लोग हायर किए, पर वो फिर एक और प्रॉब्लम में फंस गए। फाउंडर्स और पुराने सीनियर एम्प्लॉयज की अच्छे से बनी नहीं इन नए एम्प्लॉयज के साथ। इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से अलीबाबा, जो कि 1.2 बिलियन डॉलर्स माइक्रोमैक्स में इन्वेस्ट करने वाली थी, उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया। मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट माइक्रोमैक्स R&D में लगाने वाली थी, पर अफसोस की बात है कि उनको पैसे ही नहीं मिले तो R&D पे ज्यादा वो फोकस नहीं कर पाए। जैसे जैसे मार्केट शेयर गिरता गया, काफी सीनियर एम्प्लॉयज ने क्विट कर दिया माइक्रोमैक्स। 5 सितंबर 2016 को इंडियन फोन मैन्युफैक्चरर्स को झटका लगा जब जियो ने अपने 4G सर्विसेज लॉन्च किए। तब मोस्टली 2G और 3G फोन्स बिकते थे क्योंकि 4G फोन्स बहुत महंगे होते थे और डेटा का तो पूछो ही मत।
300-350 रुपए का 1 GB डेटा होता था। तो हमारे इंडियन फोन मैन्युफैक्चरर्स के पास 2G और 3G फोन्स का स्टॉक था, पर जैसे ही जियो ने अपनी सर्विसेज लॉन्च की, 4G फोन्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि जियो फ्री डेटा और फ्री कॉल्स दे रहा था तो सबको 4G फोन ही चाहिए था। मुकेश अंबानी के जियो ने दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर्स की बैंड तो बजा ही दी, पर इंडियन फोन मैन्युफैक्चरर्स की भी नैया डुबा दी। इंडियन फोन मैन्युफैक्चरर्स को 6 महीने लग गए नए 4G फोन्स लाने में। इस सब का सबसे ज्यादा फायदा उठाया चाइनीज कंपनीज ने, जिन्होंने फट से 4G फोन्स लाकर इंडिया में बेचना शुरू कर दिया। इंडियन फोन मैन्युफैक्चरर्स को फाइनल झटका 8 नवंबर 2016 को पड़ा। याद है 8 नवंबर 2016 को क्या हुआ था? उसी दिन डीमोनेटाइजेशन हुआ था। आप सब सोच रहे होंगे कि डीमोनेटाइजेशन का फोन लेने ना लेने से क्या संबंध है। बात ये है कि अंडर 15,000 के फोन्स जो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में बिकते हैं, मोस्टली कैश में ही लोग लेते हैं। तो जैसे ही कैश बंद हो गया, लोगों ने फोन लेना बंद कर दिया। अभी इंडियन फोन मैन्युफैक्चरर्स का हार्डली कोई मार्केट शेयर है, पर ये कंपनी सारी डूबी नहीं है। माइक्रोमैक्स ने दूसरी चीजों में डाइवर्सिफाई कर दिया है, जैसे टैबलेट्स, टीवीज, एसीज और दूसरे एक्सेसरीज। उन्होंने फैक्ट्रीज भी खोली हैं राजस्थान, एमपी, तेलंगाना में, और उन्होंने स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट किया है, जैसे इक्सीगो, गाना, हेल्दीफाई इत्यादि। उन्होंने अपना एंड्रॉयड मॉड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड ऑन स्टेरॉइड्स भी बनाया है। अगर ये सब पहले कर देता तो माइक्रोमैक्स अभी भी शायद कम्पीट कर पा रहा होता। एक और अच्छी बात है कि माइक्रोमैक्स के सब ब्रांड यू, जिसके फोन्स काफी पॉपुलर हुए थे, उसका भी रीलॉन्च होगा 2019 में। यू भी शाओमी की तरह काफी अच्छे फोन्स सस्ते में बेचता है। दूसरे इंडियन कंपनीज भी नए स्ट्रेटजीज अपना रहे हैं, जैसे कार्बन के प्रमोटर्स ने जियोनी के लाइसेंसिंग राइट्स ले लिए हैं। अब देखना होगा कि इंडियन फोन मैन्युफैक्चरर्स कमबैक कर सकते हैं कि नहीं। एक चीज तो मानना पड़ेगा, इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज के वजह से जो बिल्कुल टॉप फीचर्स के फोन्स भी इंडिया का एक आम आदमी अफोर्ड कर पाया था। डुअल कोर से लेकर ऑक्टा कोर तक के प्रोसेसर, 512 MB के रैम से लेकर 2 GB रैम, 4 इंच से लेकर 6 इंच के फोन, ये सब वो अंडर 15,000 बेचते थे। आपको क्या लगता है, क्या इंडियन फोन मैन्युफैक्चरर्स वापस 40-50% मार्केट शेयर ले पाएंगे? कमेंट्स में बताना। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो नीचे कमेंट्स में लिखना ना भूले। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना, घंटे को भी दबा देना, ताकि आप हमारी कोई नई वीडियो मिस ना करें। कमेंट्स में ये भी बताओ कि अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हो। आगे हम ऐसे ही बिजनेस, मोटिवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप जगत की बातें करेंगे। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।